Students, now we are switching over to the milling machines. अब milling machines करने से पहले मैं आपको इनके references बता देता हूँ कि मैंने milling machines के topic को करने के लिए किस किस reference को touch किया है. तो एक तो ये इसमें है modern physics workshop skills by अशोक शर्मा एंड डॉक्टर हेमंत पाल. ये मॉडर्न की बुक है वर्कशॉप स्किल के ऊपर. इसके अलावा ये https mechanicalengineering.com ये ब्लॉग्स वगैरह ये इनके मैंने दी हुई है आपको साइट की पूरी डिस्क्रिप्शन. व्हेन इट इज एडवाइजेबल टू यूज कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन एंड व्हेन बेड टाइप. और फिर ये एक www.mechanicalbooster.com से ये एक साइट से हमने मिलिंग के बारे में डिफरेंस बिटवीन अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग की डिटेल्स ली हैं. देन mechanicalbooster.com से हमने व्हाट इज ड्रिलिंग मशीन एंड हाउ इट वर्क्स ये हमने डिटेल्स ली हैं. इसके अलावा जो वर्किंग है एक वो हमने यूट्यूब से ली है. वो यूट्यूब का आपको वीडियो साथ में अटैच कर दिया है. तो इन रेफरेंसेस के साथ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर मिलिंग मशीन्स. तो बेसिकली मिलिंग मशीन क्या है? मिलिंग मिल करना, घिसना मतलब. तो यही हम यहां पर डिफाइन कर रहे हैं कि ए मशीन विच इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फ्लैट और प्रोफाइल सरफेस ग्रूव्स विद द हेल्प ऑफ रिवॉल्विंग मल्टीपल टूथ कटर इज कॉल्ड ए मिलिंग मशीन. तो जो कन्वेंशनल मिलिंग मशीन्स दीज आर यूज्ड टू मिल वेरियस टाइप्स ऑफ सरफेस गियर्स एटसेट्रा फ्रॉम मेटल एंड अदर मटीरियल्स. दे आर मोस्ट यूनिवर्सल टाइप्स ऑफ मशीन्स दैट आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गियर्स. गियर्स बनाने के लिए हम मेनली काम लाते हैं इनको. तो हमारी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन्स हैं जो हम यूज करते हैं ये डिपेंड करता है कि हम कहाँ पर करना चाहते हैं, किस रूप में करना चाहते हैं. तो उसके ऊपर बेस्ड हमारी जो डिफरेंट मिलिंग मशीन्स हैं वो है एक कॉलम मिलिंग मशीन, देन इट इज टरेट मिलिंग मशीन है, सी फ्रेम मिलिंग मशीन है, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, देन बेड टाइप मिलिंग मशीन, प्लेनर स्टाइल मिलिंग मशीन, प्रेशर कंट्रोल्ड मिलिंग मशीन. सो दीज आर डिफरेंट मिलिंग मशीन्स विच आर देयर. वी आर नॉट टू गो इन टू द डिटेल्स, पर जो हमें बेसिक टाइप्स जो मशीन है वो हमने स्टडी करनी है. तो वो वर्टिकल टाइप ये मशीन है हमारी नी एंड कॉलम मिलिंग मशीन, ये बेसिक टाइप मशीन है. सो मोस्ट ऑफ द मिलिंग मशीन्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ कॉलम एंड नी स्ट्रक्चर. तो ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है कॉलम और नी, नीचे नी है ऊपर कॉलम साथ में बना हुआ है. एंड दे आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स, दैट इज हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन एंड वर्टिकल मिलिंग मशीन. द नेम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इज गिवन टू द मशीन बाय वर्च्यू ऑफ द स्पिंडल एक्सेस. तो स्पिंडल के जो एक्सेस हैं वर्टिकल है तो वर्टिकल मशीन बन जाएगी, हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल मशीन बन जाएगी. तो आप इस साइट को कंसिडर कर सकते हैं यदि आप डिटेल्स इसकी देखना चाहते हैं पूरी की पूरी. तो आई हैव टेकन द डिटेल्स फ्रॉम दिस साइट. तो इसमें जो नी एंड कॉलम मिलिंग मशीन है उसमें यदि आप देखें तो ये जो हिस्सा है ना ये कॉलम है इसका. कॉलम ये जो सारा दिखाया हुआ है ये कॉलम है. और ये नीचे ये है कॉलम के ऊपर ये आपने टिका दिया नी, और नी के ऊपर ये एक सेडल बना होता है और इसके ऊपर रखा होता है ये वर्क टेबल या टेबल ही बोल देते हैं. और उसके ऊपर ये जो हिस्सा है ये रैम कहलाता है ऊपर वाला. और यहां से ये एडजस्ट किया जा सकता है. यहां एक टूल हेड है और ये टूल इसके बीच में टूल हेड की एडजस्टमेंट के लिए स्क्रू दिया हुआ है. और यहां नीचे ये कटर लगा होता है. ये वर्क टेबल को आप एडजस्ट कर सकते हैं. ये हमने दिखाया कि वाई एक्सेस की तरफ या जेड एक्सेस की तरफ या एक्स एक्सेस की तरफ, ये थ्री डायमेंशनल एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं इसकी. तो ये एक
मशीन है, ये जनरल पर्पस मशीन है। तो इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ये आपको डिफाइन करवा देते हैं, जैसे ब्रॉड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मिलिंग मशीन, दीज आर डिस्क्राइब्ड। पहले बेस, जो ये बेस है इसका निचले वाला, ये जो कॉलम का नीचे वाला हिस्सा है ये हमारा बेस है। तो बेस इट इज द फाउंडेशन ऑफ द मशीन, मेड अप ऑफ कास्ट आयरन, ऑन विच कास्ट आयरन की ये बनी होती है, ऑन विच ऑल पार्ट्स ऑफ द मशीन आर माउंटेड। इट एब्जॉर्ब्स शॉक एंड वाइब्रेशंस ड्यूरिंग मिलिंग प्रोसेस। दूसरा है कॉलम। कॉलम जो आप देख रहे हैं, आपको ये वाला हिस्सा बताया, ये जो वर्टिकल पोर्शन है इस केस में, तो मेन वर्टिकल सपोर्टिंग फ्रेम माउंटेड ऑन द बेस विच कंटेन्स डिराइविंग मैकेनिज्म एंड सपोर्टिंग टूल्स, दिस इज कॉल्ड कॉलम। देन वी हैव अ नी, घुटना जैसे, ए सिस्टम अटैच्ड विद बेस एंड कॉलम विच कैन स्लाइड अप एंड डाउन एंड कैरीज द टेबल मैकेनिज्म एंड कंट्रोल्स द फीड इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। तो यहां पर ये हमने बताया हुआ है, ये देखिए ये नी है, तो ये हमने मूवमेंट शो की हुई है अप एंड डाउन या अंदर बाहर को। तो देन वी हैव अ सैडल। सैडल सपोर्ट्स एंड कैरीज द टेबल एंड एडजस्टेबल ट्रांसवर्सली ऑन द नी। इट इज प्रोवाइडेड विद ग्रेजुएशन फॉर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। तो इसने, यदि आपने कोई मेजर करना हो कितना है इसके ऊपर, हमारे पास ग्रेजुएशन इन द सेंस के हमारे पास स्केल बनी होती है इसके ऊपर, उस स्केल की मदद से हम पढ़ सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि कितना हमने मूव करना है। तो देन देयर इज वर्क टेबल, द टेबल रेस्ट ऑन द नी ऑन विच द वर्क पीस इज प्लेस्ड। तो यहां ये ऊपर हमने दिखा दिया, ये टेबल बना होता है, इसके ऊपर हमने वर्क पीस रखना होता है जिसकी, जिसको हमने वर्क करना है जिसके ऊपर। तो देन स्पिंडल, स्पिंडल इट इज माउंटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द कॉलम एंड अटैच्ड विद द मोटर एंड गियर सिस्टम। तो ये ऊपर यहां पर ये सिस्टम होता है इसमें, तो इसके अंदर ये सारा हमने रखा होता है स्पिंडल का सिस्टम, तो इसको मोटर और गियर सिस्टम से अटैच किया होता है। देन आर्बर, ये दिखाया नहीं हमने स्पिंडल यहां बीच में क्योंकि ये अंदर होता है। तो आर्बर इट इज द एक्सटेंशन ऑफ स्पिंडल ऑन विच वेरियस कटर्स कैन बी माउंटेड। तो यहां भी ये निचले हिस्से में, यहां ये इसके ऊपर ये आर्बर है, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द स्पिंडल ऑन विच वेरियस कटर्स एंड कैन बी माउंटेड। जो कटर्स हम लगाना चाहते हैं तो वहां लगा सकते हैं। तो ये जो मिलिंग प्रोसेस है ये दो प्रकार की होती है। मिलिंग हम करते हैं इस मशीन के साथ, तो दो तरह की जो मिलिंग है, एक है हमारी अप मिलिंग और एक है हमारी डाउन मिलिंग। तो अप मिलिंग में क्या होता है, द कटर मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द वर्कपीस ऑन द इज बीइंग फेड। जिस दिशा में वर्कपीस फीड करते हैं, ये देखिए ये अप मिलिंग दिखाई है, तो ये फीड इधर को जा रहा है और ये जो कटिंग है वो इस ढंग से हो रही है, ये ऐसे, ये देखिए कटिंग ये ऐसे हो रही है। और जो डाउन मिलिंग है, द कटर मूव्स इन द सेम डायरेक्शन टू दैट ऑफ द वर्क पीस इज बीइंग फेड। तो ये फीडिंग भी इधर को हो रही है और कटिंग भी इधर को ही हो रही है। तो इस ढंग से ये हमारे पास दो तरह की ये मिलिंग प्रोसेसेस होती है। और यदि आप इसकी ज्यादा डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो ये मैंने आपको साइट का रेफरेंस दे दिया है, ये mechanicalbooster.com के ऊपर जाकर आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं कि ये अप मिलिंग और डाउन मिलिंग का क्या फायदा है। और जनरली हम अप मिलिंग की बात करते होते हैं, यूनिवर्सल टाइप ऑफ मिलिंग कहते हैं इसको, तो वहां पर आप स्टडी कर सकते हैं। देन वी स्विच ओवर टू द ड्रिलिंग मशीन्स। अब ये ड्रिलिंग मशीन करने के लिए मैं फिर आपको एक साइट का रेफरेंस दे रहा हूं, ये है mechanicalbooster.com। तो आप इस साइट के ऊपर जाकर और ज्यादा डिटेल्स में इसको पढ़ सकते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट इज ए ड्रिलिंग मशीन। यह आमतौर पर आपने घरों में देखी हुई है, काम करते, लकड़ी का काम करते हुए या आप गट्टियां लगाते हुए आप ड्रिल करते हैं तो ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल होता है। तो ए ड्रिलिंग मशीन विच इज यूज्ड
फॉर द फॉर यहां और लिख दिया हमने फॉर द ड्रिलिंग होल्स इन वेरियस एप्लीकेशंस इज कॉल्ड ए ड्रिलिंग मशीन. ड्रिलिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी रिमूव द मटीरियल फ्रॉम अ वर्क पीस विद द हेल्प ऑफ ए ड्रिल बिट. तो हमारे पास एक बिट होती है जिसको हम ड्रिल बिट बोलते हैं, उसकी मदद से हम सुराख कर देते हैं. तो ए ड्रिल बिट कट्स द होल ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इन द सॉलिड मटीरियल. हम इवन दीवारों में भी होल करते हैं, लोहे में कर सकते हैं, लकड़ी में होल कर सकते हैं. इवन आप अपने जब घरों में रसोई बनवाते हैं तो उसमें हमारे पास जब बेस बना होता है उसके ऊपर आप सुराख करवाना चाहते हैं गैस पाइप निकालने के लिए, तो वहां कर सकते हैं. तो द साइज ऑफ द ड्रिल बिट वेरीज एज पर द एप्लीकेशन. आपने छोटा सुराख करना है, मोटा सुराख करना है, कैसे करना है. द साइज ऑफ द ड्रिल बिट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द डायमीटर. तो कितने डायमीटर का है उसके हिसाब से हम ये ड्रिलिंग मशीन की बिट को चूज करते हैं. तो हमारे पास कई किस्म की ड्रिलिंग मशीन्स हैं. तो जो बेसिक टाइप्स ऑफ मशीन्स हैं वो प्रॉपर पर्पस और स्ट्रक्चर के हिसाब से यूज होती हैं. तो जो मेन टाइप्स ऑफ हमारी ड्रिलिंग मशीन्स हैं वो ये हैं. एक है पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, ये पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन. देन वी हैव सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन. देन वी हैव अपराइट ड्रिलिंग मशीन. देन वी हैव अ रेडियल ड्रिलिंग मशीन. देन वी हैव गैंग ड्रिलिंग मशीन एंड देन मल्टीपल स्पिंडल मशीन एंड देन डीप होल ड्रिलिंग मशीन. तो कई कई तरह की मशीनें हमारे पास हैं तो हम इनका इस्तेमाल करते हैं. पर जो हमारी बेसिक टाइप ऑफ मशीन है हम उनकी आपको लेआउट बता रहे हैं. तो मेन पार्ट्स ऑफ मशीन जो ड्रिलिंग मशीन है जो हम इस्तेमाल करते हैं वो मेन पार्ट्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन क्या क्या है. तो देखिए ये पहले तो ये ड्रिलिंग मशीन है, ये उसके ऊपर ये गार्ड किया हुआ है. गार्ड इन द सेंस के ये ना हो कि जो पुलिस घूमे तो कहीं बीच में हाथ आ जाए या कोई बीच में चीज फंस जाए. तो हमने ये ऊपर गार्ड रखा हुआ है बचाव करने के लिए. और नीचे ये पुली है, ये देखिए ये पुली हमने दिखाई है. और इस पुली के साथ ये एक बेल्ट है जो कि इलेक्ट्रिक मोटर के साथ लगी हुई है. जब ये इलेक्ट्रिक मोटर घूमेगी तो उसके साथ साथ ये पुली भी घूमेगी. तो इसको कंट्रोल करने के लिए आगे ये साथ में यहां ये जो बेस है बनाया हुआ ये आर्म है. और नीचे ये हैंड फीड है. आप इसको ऊपर नीचे करना चाहेंगे ये सिस्टम को तो उसके लिए हैंड फीड का इस्तेमाल करते हैं. फिर नीचे ये डेप्थ एडजस्टमेंट के लिए स्क्रूज होते हैं, डेप्थ एडजस्टमेंट. देन नीचे ये स्पिंडल क्लैंप है. और ये जो निचला हिस्सा ये है इसको हम बोलते हैं स्पिंडल. तो ये स्पिंडल ये नीचे घूमता है और इस स्पिंडल के नीचे ये लगा होता है चक जिसको हम बोलते हैं. और यदि निचला हिस्सा देखें तो नीचे ये बेस है इसका. बेस के ऊपर ये कॉलम बना हुआ है. कॉलम के ऊपर ये इलेक्ट्रिक मोटर ऐसे सेट की हुई थी सारी यहां सिस्टम्स एडजस्टमेंट्स के कारण. और यहां पर ये एक टेबल क्लैंप है और ये हमारा वर्क टेबल है. और ये टेबल को ऊपर नीचे करके आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते होते हैं. तो ये जो फिगर है हमने mechanicalbooster.com से ली हुई है, आप वहां पर जाकर प्रॉपर स्टडी भी कर सकते हैं इसकी. तो ये इसके जो अब मेन पार्ट्स क्या क्या हैं. तो मेन पार्ट्स तो पहला तो कॉलम ही आ गया क्योंकि ये कॉलम है, ये बेस के ऊपर खड़ा हुआ है. तो हमने यही कहा कि पहला कॉलम. द कॉलम इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ ड्रिलिंग मशीन. वी कैन से दैट इट सपोर्ट्स द ड्रिल मशीन एंड ऑल अदर इट्स पार्ट्स सच एज टेबल, आर्म, स्पिंडल, इलेक्ट्रिक मोटर फॉर पावर ट्रांसमिशन एटसेट्रा. सो ए कॉलम कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग रॉड जनरली मेड अप ऑफ स्टील. द कॉलम एंड द टेबल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. वो देख ही रहे हैं आप. दैट मीन्स द कॉलम ऑन द टेबल मेक्स ए 90 degree एंगल विद द टेबल ऑन विच इट इज कैप्ट. ये हमारे पास ये 90 degree के ऊपर ये होता है. ये देखिए यहां से. फिर बात आती है स्पिंडल की, जो मैंने पहले ही आपको बताया कि ये स्पिंडल है. तो स्पिंडल इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ड्रिलिंग मशीन. द स्पिंडल इज यूज्ड फॉर होल्डिंग द टूल
एंड इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू रोटेट द टूल, तो टूल को रोटेट भी करता है. एट द बॉटम ऑफ द स्पिंडल ए चक इज लोकेटेड, एन आर्म इज प्लेस्ड विच होल्ड्स द स्पिंडल इन इट्स पोजिशन. सो दिस दीज आर कनेक्टेड टू द कॉलम. तो वी कैन यूज द स्पिंडल रिटर्न स्प्रिंग फॉर मूविंग द स्पिंडल अप एंड डाउन इजिली. तो हमारे पास अरेंजमेंट है स्प्रिंग अरेंजमेंट, तो उसकी मदद से हम कर सकते हैं. फॉर द बेटर फंक्शनिंग ऑफ ड्रिल प्रेस द वेट ऑफ द स्पिंडल मैटर्स अ लॉट. तीसरा जो अंदा है हमारा वो है बेस. द बेस मैंने पहले ही बताया कि ये निचला हिस्सा जो है वो ये बेस है, बेस के ऊपर ही सारा कुछ खड़ा होता है. तो द बेस इज यूज फॉर सपोर्टिंग द कॉलम एंड मेकिंग इट स्टेबल. जनरली द बेस इज मेड अप ऑफ स्टील और आयरन, तो ये हैवी पार्ट होता है नीचे. देन वी हैव ड्रिल जिग्स. एक्चुअल में यहां दिखाया नहीं है, यहां ड्रिल जिग्स होते हैं. बेसिकली व्हाट यू डू इफ यू वांट टू मेक मैनी होल्स इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन. फॉर मेकिंग मैनी होल्स इन वन डायरेक्शन ड्रिल जिग्स आर यूज्ड. ड्रिल जिग्स कीप द ड्रिल बिट्स फर्म एंड दे हेल्प देम इन गोइंग इन स्ट्रेट डायरेक्शन अलोंग विद द ड्रिल बुशिंग्स. तो ये ड्रिल जिग्स होते हैं, यहां दिखाया नहीं हमने, वो भी हम इस्तेमाल करते हैं. देन वी हैव वर्क टेबल. तो मैंने पहले ही बताया कि ये वर्क टेबल है, या इसको सिंपली टेबल भी बोल देते हैं. तो वर्क टेबल जिसके ऊपर आप अपना वर्क पीस रखते हैं वो वर्क टेबल होता है. तो इट इज यूज टू होल्ड द वर्क पीसेस टू बी ड्रिल्ड. द वर्क टेबल कैन बी मूव्ड अप और डाउन डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन. इफ यू वांट टू ड्रिल एट सम हायर पोजिशन देन सिंपली मूव योर वर्क टेबल अप. और नीचे करना चाहते हो तो नीचे कर लो. तो वर्क टेबल ऑल्सो हैज टी स्लॉट्स, होल्स और अदर यूजफुल स्ट्रक्चर्स दैट कैन बी यूज. इसके ऊपर बने होते हैं वर्क टेबल के ऊपर, तो यूज फॉर होल्डिंग वर्क पीस इन एनी एप्लीकेशन रिलेटेड टू द ड्रिल मशीन. तो उसके हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर सकते होते हैं. देन वी हैव पावर ट्रांसमिशन. तो पावर तो हमें जरूरत पड़नी है क्योंकि हमने घुमाना है, हमारा जो सिस्टम है स्पिंडल है वो घूमेगा तभी तो उसके साथ लगे सिस्टम को घुमा पाएंगे. तो इन ड्रिलिंग मशीन पावर इज सप्लाइड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक मोटर. द वी बेल्ट, ये बेल्ट का नाम है, एक वी बेल्ट बोलते हैं इसको. द वी बेल्ट एंड द पेयर ऑफ पुलीज स्टैक्स हेल्प इन द पावर ट्रांसमिशन. तो पुलीज स्टैक्स आर यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग द स्पीड ऑफ द स्पिंडल. तो ये हम कर सकते हैं, पुलिस की मदद से हम स्पिंडल को घुमाते हैं और एडजस्टमेंट करते हैं. अब क्वेश्चन राइज होता है कि इसकी वर्किंग कैसे होती है. तो वर्किंग ऑफ ड्रिलिंग मशीन, तो वर्किंग इसकी मदद से हम छोटे होल बना सकते हैं, बड़े होल बना सकते हैं, किसी भी ढंग से छोटे होल्स को बड़ा कर सकते हैं वगैरह वगैरह, वो बहुत सारी चीजें इसके साथ कर सकते हैं. पर बेसिकली करते कैसे हैं, तो उसके लिए आप ये एक यूट्यूब वीडियो है, मैंने नीचे इसका रेफरेंस दिया हुआ है, यहाँ ये मैं इसको डार्कन करके बता रहा हूँ. तो आप इसके ऊपर जाकर इसको देख सकते हैं, एक दो मिनट का है ये. तो यहाँ पर ये मैं आपको आपके लिए चला देता हूँ. Have you ever thought how the holes are made in a workpiece without damaging it? To understand this, let us consider a wooden block and mark the point on it where the hole is to be made. For this, we use a machine setup, having the components as... First, let us take a sharp cylindrical multi-point cutting tool and insert it inside the chuck and fix it tightly there. Now let us place the wooden block on the table, such that the tool tip becomes collinear with the point marked on the block. Now, by rotating table clamp, let us move the table along the column until there is a specific distance between the tool and block. Now, when we switch on the power supply, we see that the tool begins to rotate. Now, let us rotate the hand lever manually. This makes the rotating tool to move linearly towards the wooden block until the tool gets touched to the block. As we rotate the lever further, we see that the tool runs deep into the wooden block. We continue rotating the lever
till the tool pierces the block. This is how a hole is produced in wooden block without damaging it. This process of making holes in a wooden block with the help of a rotating tool is called drilling. And the tool used is called drill. Now we switch over to the advantages and disadvantages of drilling. तो पहले तो इसकी advantages क्या है ये drilling machine की, तो it is capable of making permanent long holes बना सकती है. Drilling machine can be used for marking the ends of the components. Then almost every industry uses the drilling machine for most of their applications. तो यहाँ uses आएगा. Then disadvantages क्या हैं कि sometimes we cannot use drilling machine in complicated applications. जहाँ हमारी reach नहीं हो पाती तो वहाँ पर problem आती है इसमें. तो ये इसकी disadvantages हैं. अब जो drilling machine है हमने तो जो पीछे बताई ये तो basically वर्टिकल कॉलम टाइप थी. तो अब जरूरी नहीं है, कई बार हम हैंड हेल्ड ड्रिलिंग मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं और कई बार वो इलेक्ट्रिकल होती हैं, कई बार नॉन इलेक्ट्रिकल होती हैं. तो इसीलिए हम यहाँ पर चल रहे हैं अदर टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन्स की ओर. तो अपार्ट फ्रॉम सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन वी ऑल्सो हैव सम जनरल पर्पज ड्रिलिंग मशीन्स विच आर कॉल्ड the hand feet and power feet drilling machines. तो ये हमने एक एक करके आपको दिखाई हुई हैं. पहले हम hand feet की बात करते हैं. तो ये hand feet क्या है कि हम इस ये हाथ में जो दस्ता लगा हुआ है इसको घुमाते हैं और घुमाने से ये अगला वाला हिस्सा इसका घूमता है कि इसके अंदर जो gear system होता है वो इसको घुमाता है और घूमने के इसके आगे हम bit लगा के drill कर सकते हैं. तो हैंड फीट में द हैंड फीट ड्रिलिंग मशीन आर द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन्स इन यूज टुडे. दीज आर लाइट ड्यूटी मशीन्स दैट आर ऑपरेटेड बाय द ऑपरेटर यूजिंग ए फीड हैंडेड सो दैट द ऑपरेटर इज एबल टू फील द एक्शन ऑफ द कटिंग टूल एज इट कट्स थ्रू द वर्कपीस. दीज ड्रिलिंग मशीन्स कैन बी बेंच और फ्लोर माउंटेड. तो माउंट भी कर सकते हैं, इनको फिक्स कर सकते हैं या हाथ में पकड़ के भी कर सकते हैं. पीछे से हमने पकड़ लिया हाथ से यहाँ हैंडल और आगे जैसे ये हिस्सा दीवार को लगा दिया और इसको हाथ से घुमाया, इसके आगे बिट लगा के जब हम दीवार के ऊपर सुराख करेंगे तो सुराख हो जाएगा. तो जो दूसरी हैं वो पावर फीड आती हैं. ये आपने कॉमन देखी होगी घरों में, इसके आगे बिट लगा के हम ड्रिल करते हैं आमतौर पर. ये घरों में आप यूज करते हैं जब आप दीवारों में छेद करवाना चाहते होते हैं. तो पावर फीट में दी पावर फीट ड्रिलिंग मशीन्स आर यूजली लार्जर एंड हैवियर देन दी हैंड फीड वंस. दे आर इक्विप्ड विद द एबिलिटी टू फीड द कटिंग टूल इनटू द वर्क ऑटोमेटिकली एट प्रेजेंट डेप्थ ऑफ कट पर रिवोल्यूशन ऑफ द स्पिंडल. दीज मशीन्स आर यूज्ड इन मेंटेनेंस फॉर मीडियम ड्यूटी वर्क और द वर्क दैट यूजेस लार्ज ड्रिल्स that require power feed. Larger works, work pieces are usually clamped directly to the table or the base using T-bolts and clamps by a small workplace are held in a vise. तो vise में पकड़ के हम कर सकते होते हैं. तो the work feed drilling machines are usually larger and heavier than the hand feed ones. तो यहाँ पर ये हम full stop कर देते हैं. So they are equipped with the ability to feed the cutting tool into work automatically at present depth of cut per revolution of the spindle. So yahan bhi full stop hai. So these machines are used in maintenance for medium duty work or the work that uses large drills that require power feed. तो यहां भी full stop है. यहां larger work pieces are usually clamped directly to the table or base using T-bolts and clamps by a small workplace
आर हेल्ड इन अ वाइस। वाइस एक मशीन होती है जिसमें हम इसको पकड़ के रखते हैं, उसकी मदद से फिर हम ड्रिल कर सकते हैं उस वर्क पीस में। सो ए डेप्थ स्टॉप मैकेनिज्म इज लोकेटेड ऑन द हेड नियर द स्पिंडल टू एड इन ड्रिलिंग और टू द प्रिसाइज डेप्थ। तो इसमें एक निशान सा लगा होता है, वहां तक हम ड्रिल कर पाते हैं, यहां तक करना होता है वहां तक ही करते हैं। तो ये हमारी पावरफुल ड्रिलिंग मशीन्स होती हैं। देन अब बात आती है कि हमारे पास जो ड्रिलिंग ऑपरेशंस हैं वो कौन कौन से हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग ऑपरेशंस, तो ड्रिलिंग ऑपरेशंस हमारे क्या हैं, ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड विद अ ड्रिलिंग मशीन, दीज आर बीइंग एक्सप्लेन्ड हियर। तो यहां पर पहला ड्रिलिंग, द ऑपरेशन बाय विच ए होल इज प्रोड्यूस्ड इन द सॉलिड मेटल बाय मींस ऑफ रिवॉल्विंग ड्रिल। तो ड्रिल को घुमाते हैं, आगे बिट लगी होती है उसके, तो वो जो बिट है वो घूम के उसमें ड्रिल कर देती है। देन वी हैव रीमिंग। तो रीमिंग इट इज द प्रिसाइज वे ऑफ साइजिंग एंड फिनिशिंग द प्री एग्जिस्टिंग होल। पहले ही होल कर लिया हमने, उसको फिर फिनिशिंग देनी है, तो उसको हम रीमिंग बोलते हैं। देन बोरिंग, बोरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग एन एग्जिस्टिंग होल बाय ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो एक टूल लेके उस बोर को और चौड़ा करते हैं, मतलब सुराख को और चौड़ा करते हैं, तो उसको हम बोर बोल देते हैं, बोरिंग कह देते हैं। देन काउंटर बोर, दिस इज अ गाइडेड कटिंग एक्शन टू अकोमोडेट द हेड्स ऑफ बोल्ट्स। तो काउंटर बोर मतलब आप जब पेच लगाना होता है तो ऊपर वाले हिस्से को भी थोड़ा सा टेपर करना होता है, खोदना होता है ताकि उसके ऊपर पेच बैठ जाए, तो इस ढंग से एडजस्टमेंट करते हैं तो वो बोर करते हैं। दिस इज अ गाइडेड कटिंग एक्शन टू अकोमोडेट द हेड ऑफ बोल्ट्स। ऐसे ही ये काउंटर सिंक की बात आती है, तो काउंटर सिंक, दिस इज अगेन काउंटर सिंक, इट इज अ कोन शेप्ड एनलार्जमेंट एट द एंड ऑफ द होल टू अकोमोडेट द स्क्रूज। तो स्क्रूज, ताकि ये ना हो कि स्क्रू उभरे रहें, स्क्रू नीचे बैठ जाएं, हमें पता ना लगे, बिल्कुल जमीन के साथ फ्लैट हो जाएं जहां पर हमने लगाए हैं या उसकी उस प्लेन में आ जाएं, तो उसको हम ये काउंटर सिंक बोल देते हैं। देन वी हैव टैपिंग। तो टैपिंग इज द प्रोसेस बाय विच इंटरनल थ्रेड्स आर फॉर्म्ड। तो अंदर जो थ्रेड्स बनाते हैं, तो इंटरनल थ्रेड्स बनाने के लिए जो प्रोसेस है उसको हम ये टैपिंग बोलते हैं। तो हमारे पास जो ये हमने दिखाए हैं, ड्रिलिंग, रीमिंग, बोरिंग, काउंटर बोर्स, काउंटर सिंक, टैपिंग एटसेट्रा, ये हम डायग्रामेटिकली भी आपको दिखा सकते हैं। तो ये हमने ये सारे बताए हुए हैं, जैसे ये काउंटर बोरिंग है, ये ड्रिल किया तो ये ऊपर बिट हमने इसके अंदर इंसर्ट की है, ये टैपिंग किया तो ये थ्रेडिंग, ये देखिए आप थ्रेड्स बनने शुरू हो गए हैं, ये बोर किया तो सुराख आपने चौड़ा कर दिया इसमें थोड़ा सा, तो देन रीमिंग की हुई हमने तो बड़ा कर दिया हमने, देन काउंटर सिंकिंग है, ये ऊपर वाला हिस्सा आपने इसको खुला कर दिया है ऊपर से। तो ये दीज आर ऑल ड्रिलिंग मशीन ऑपरेशंस। तो ये इस ढंग से हम ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं।